देश के प्राचीन इतिहास और इमारतों की बात करें तो आज भी बहुत सी इमारतें ऐसी है जो अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इन्हीं में से एक है रानी की बाव यानी सीढ़ीदार एक कुआं है, जिसे वास्तुकला का बेजोड़ नमूना माना जाता है। यह ऐतिहासिक इमारत गुजरात के पाटन गांव में स्थित है। दोस्तों, यह माना जाता है कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित इस कुएं का निर्माण 11वीं सदी में हुआ था। दोस्तों, इस सीढ़ीदार कुएं का चित्र 100 के भारतीय नोट पर छपा है। तो दोस्तों, इस इमारत के बारे में कुछ जानने से पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में दोस्तों ऑल नोटिफिकेशन बेल पे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही रोचक वीडियो लाऊं तो आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों जानें इस इमारत के बारे में कुछ खास बातें। दोस्तों, इतिहास की पन्नों को पलटे तो पता चलता है कि राजा जय सिंह के राज में पाटन गुजरात की राजधानी थी। तब इसका नाम अनहिलपुर हुआ करता था। इस बाव का निर्माण रानी उदयमती ने 1063 में अपने पति और पाटन के राजा भीमदेव प्रथम की याद में करवाया था। भीमदेव पाटन के सोलंकी राजवंश के संस्थापक थे। रानी उदयमती के मौत के पश्चात इस बावड़ी को करणदेव प्रथम ने पूरा किया। इस बात का प्रमाण मेरंग सूरी द्वारा लिखी गई प्रबंध चिंतामणि से मिलता है, जिसे सूरी ने 1304 ईस्वी में लिखा था। दोस्तों, इसे भारत के सीढ़ीदार कुओं की रानी भी कहा जाता है। इतिहासकारों के अनुसार सरस्वती नदी में बाढ़ आने के बाद यहाँ पानी जमा हुआ था। दोस्तों, आने वाली बाढ़ और लुप्त हुई सरस्वती नदी के कारण यह बहुमूल्य धरोहर करीब 700 सालों तक गाढ़ की परतों तले दबी रही। दोस्तों, 1980 में भारतीय पुरातत्व संरक्षण ने इसे दोबारा खोज निकाला। इसमें तकरीबन 800 नकाशीदार मूर्तियां थी, जिसमें से केवल 500 ही मिली। दोस्तों, इस कुएं की दीवारों और खंभों पर सैकड़ों नकाशियां की गई है। 7 तलों के विभाजित इस सीढ़ीदार कुएं में नकाशी की गई है। 500 से अधिक बड़ी मूर्तियां हैं और 1000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं। दोस्तों, खंभों पर अप्सराओं के मूर्तियां 16 श्रृंगार की मुद्रा में सौंदर्य के प्रतीक मूर्तियां बनाए गए हैं। मंदिर में भगवान विष्णु के दशा अवतार के साथ साथ साधु विद्वानों अप्सराओं की भी मूर्तियां बनाई गई है। बाव की दीवारों और खंभों पर ज्यादातर नकाशियां राम, वामन, महिषासुर मर्दिनी, कालिका जैसे अवतारों के कई रूपों में भगवान विष्णु को समर्पित है। दोस्तों, जमीन के नीचे बनी रानी के बाव के बनावट के बारे में बात करें तो यह 64 मीटर लंबी, 20 मीटर चौड़ी और 27 मीटर गहरी है। मूल रूप में यह 7 मंजिला इमारत थी, लेकिन अब इसकी 5 मंजिला को ही संभाल करके रखा जा सका है। दोस्तों, इस बाव में 30 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी सुरंग भी निकलती है, जो पाटन के सिद्धपुर में जाकर खुलती है। इस खुफिया रास्ते का इस्तेमाल राजा और उसका परिवार युद्ध के वक्त करते थे। दोस्तों, इस कुएं के बारे में मान्यता है कि इस पानी से नहाने पर बीमारियां नहीं होती। इसका कारण यह माना जाता है कि इसके आसपास आयुर्वेदिक पौधे लगे हुए हैं, जो औषधि का काम करते हैं। एक भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार यह भारत में बावलियों के सर्वोच्च विकास का एक सुंदर नमूना है। यह एक काफी बड़ी और जटिल संरचना वाली बावड़ी है। यह बावड़ी भारत के सीढ़ीदार कुओं के श्रेणी में अपनी खास जगह रखती है। इसके चित्र को जुलाई 2018 में RBI यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 के नोट पर चित्रित किया गया तथा 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। दोस्तों, रानी की बाव एक ऐसी इकलौती कुआं है जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हुई है, जो इस बात का सबूत है कि प्राचीन भारत में जल प्रबंधक की व्यवस्था कितनी बेहतरीन थी।
भारत की इस अनमोल धरोहर को विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने में पाटन के स्थानीय लोगों का भी महत्वपूर्ण योगदान है, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया के दौरान भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग और राज्य सरकार को हर कदम पर अपना पूरा सहयोग दिया है। दोस्तों, आप रानी के बाव के अंदर जाने के बाद निश्चित रूप से जब आप रानी की बाव से बाहर निकलते हैं तो आप कुओं के बारे में पूरी नई जानकारी के साथ लौटते हैं। दोस्तों, ये दूसरे कुएं की तरह अंधेरे वाले, गहरे और रहस्यमय नहीं है। रानी के बाव के इस कुएं के मामले में यह 11वीं शताब्दी के सोलंकी वंश के कलाकारों की कला का जीता जागता प्रमाण है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं कोई और धर्मस्थल यात्रा ज्ञान को लेकर।